दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पश्चिम एशिया और यूरोप के कॉन्केशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश की सैर पर, जिसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये देश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस देश की खूबसूरती देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। इस देश का इतिहास काफी खास रहा है। अगर दोस्तों इस देश के इतिहास की बात करें तो वो काफी दर्दनाक रहा है। इस देश ने कई युद्ध झेले। इतना ही नहीं, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए इसने लगातार प्रयास किया। इस देश की राजधानी बहुत ही खास है और बहुत ही खूबसूरत। आज आपको इस देश के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हो सकता है ये देश आपसे अनजान हो सकता है आप में बहुत सारे लोगों में इस देश का नाम भी किसी ने नहीं सुना हो। ये देश बहुत ही छोटा है और बहुत ही अनजान सा है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं पश्चिम एशिया और यूरोप के कॉन्केशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश की सैर पर, जिसका नाम है आर्मेनिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आर्मेनिया यूरोप के कॉन्केशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है दोस्तों। येरेवन इसकी राजधानी है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ऑफिशियली तौर पर इस देश को आर्मेनिया रिपब्लिक भी कहा जाता है। आर्मेनिया तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान की सीमाओं से घिरा हुआ है। 1991 में स्वतंत्रता से पहले आर्मेनिया के लोग तुर्क और रूसी शासन के अधीन रहते थे और देश सोवियत संघ का हिस्सा था। आर्मेनिया ने 23 अगस्त 1990 को सोवियत संघ से आजादी प्राप्त की, लेकिन आर्मेनिया की स्थापना की घोषणा 21 सितंबर 1991 को हुई और इसे 25 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। आर्मेनिया के राजा ने 4वीं शताब्दी में ही ईसाई धर्म अपना लिया था। इस प्रकार आर्मेनिया ईसाई धर्म प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 29,743 वर्ग किलोमीटर है, यानी 11,484 वर्ग मील। दोस्तों आर्मेनिया की राजनीति एक अर्ध राष्ट्रपति प्रतिनिधि यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है। दोस्तों आर्मेनियाई एकमात्र यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्मेनियाई लोगों की मुख्य विदेशी भाषा रूसी और अंग्रेजी भी है। आर्मेनिया की मुद्रा का नाम डॉम है और देश का राष्ट्रीय प्रतीक माउंट अरारत है। आपको पता है दोस्तों, लगभग 98% से अधिक लोग आर्मेनियाई जातीय समुदाय के हैं। इसके अलावा यजीदी समुदाय के 1.3% और रूसी समुदाय के 0.5% लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे। दोस्तों आर्मेनिया की राजधानी येरेवन एक शानदार शहर है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शहर का एक सदियों पुराना इतिहास रहा है। उराटियन राजा अगस्टी के क्यूनिफॉर्म के शिलालेख के अनुसार ये 782 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो दर्शाता है कि येरेवन रोम से भी पुराना है। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं वो यहाँ की वास्तुकला देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट, सुंदर पार्क और बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। राजधानी का दिल रिपब्लिक स्क्वायर द्वारा बनाया गया है। 1924 में आर्मेनियाई वास्तुकार अलेक्जेंडर तम्यान द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। और अगर आप इसका इतिहास जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर संग्रहालय हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अनोखे, क्योंकि यहाँ पर आपको इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति जानने का मौका मिलता है और बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो बहुत खास हैं। दोस्तों आर्मेनिया घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको इस देश के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये है इचमांदजिन शहर, येरेवन से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो लगभग आपको 30 मिनट का समय लगेगा। आर्मेनिया का एक दौरा इस राज्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये शहर बहुत ही खास है। आर्मेनिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया है। इस शहर में आपको आर्मेनियाई लोगों के धार्मिक केंद्र मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ की यात्रा आपके धर्म से भी जुड़ेगी और साथ ही बहुत ही अनोखी रहेगी। दोस्तों ये है चाटेव मॉनेस्ट्री। दोस्तों कार द्वारा येरेवन से आप तातेव मॉनेस्ट्री जा सकते हैं। मठ तक पहुंचने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये लगभग 253 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही खास है। तातेवन की यात्रा यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत ही खास होती है। इसकी खूबसूरती देखिए, आपको देखते ही प्यार हो जाएगा। मठ एक राशि मध्ययुगीन यानी कि 9वीं शताब्दी ईस्वी की संरचना है, जो गहरे कंड के किनारे पर स्थित है। अद्भुत पहाड़ी परिदृश्यों से घिरा हुआ है।
मठ जाने के लिए आप केबल कार का यूज भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक ये आपको ले जाएगी। आप लगभग 20 मिनट के लिए गहरी घाट पर फिसलेंगे और शानदार दृश्यों का आनंद लेंगे। आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन यकीन मानिए सब कुछ मस्त होगा। दोस्तों, ये है लेक सेवन। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि प्रकृति ने इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया है। जरा इसको देखिए, कितनी खूबसूरत है ये। लेक सेवन 66 किलोमीटर उत्तर पूर्व में येरेवन में है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग झील है दोस्तों। आर्मेनिया के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक झील गर्मियों में स्थानीय लोगों से पटी रहती है और यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। दोस्तों, 1900 मीटर की दूरी पर स्थित झील सेवन दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो नीला पानी आसमान को छूने वाला है, इतनी ऊपर है ये। और यही तो इसकी सुंदरता भी है दोस्तों। इसकी सुंदरता ने झील को आर्मेनियाई प्रकृति का मोती उपनाम दिया है। झील पर रहते हुए आप एक BBQ और एक नौका भी ले सकते हैं और बहुत ही आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खास होने वाले हैं, इसलिए झील सेवन जरूर जाएं। यहाँ पर आपको कैफेज और रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और बहुत स्वादिष्ट खाने भी, और हाँ बिल्कुल फ्रेश फिश भी आपको मिल जाएंगी अगर आप उसे पसंद करते हैं तो। दोस्तों, ये है सेलिम पास। सेवन से येरेवन के रास्ते में आप आर्मेनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक का आनंद ले सकते हैं। इसका नाम है सेलिम दर्रा। ये पास कभी प्रसिद्ध सिल्क रोड का हिस्सा था जो यूरोप को सुदूर पूर्व से जोड़ता था। प्राचीन कारवा सेरई सिल्क रोड पर व्यवसायियों के लिए एक विश्राम स्थल है। आज भी ये बहुत ही खूबसूरत है और ये जगह आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये है झेरमुख। अपने उपचार खनिज पानी के लिए जानी जाती है, यानी कि कहा जाता है कि इस झील के पानी को अगर आप यूज करते हैं तो ये ट्रीटमेंट की तरह होता है, खासकर स्किन को लेकर। ये एक बेहतरीन स्पा शहरों में से भी एक है। शहर में 40 से अधिक थर्मल स्प्रिंग्स हैं। झेरमुख में आप चिकित्सा खनिज पानी के मुफ्त स्वाद के लिए पानी की गैलरी का दौरा करिए। यकीन मानिए आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। झेरमुख झरना जा सकते हैं जो आर्मेनिया में दूसरा सबसे बड़ा झरना है, और हाँ आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिएगा। यहाँ पर 70 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है जो अपने में ही बहुत खास है। आई होप दोस्तों आर्मेनिया की ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीन पर जो एक नई वीडियो आपको दिख रही है जल्दी से उस पर भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको और जानकारी मिल जाए।